पुलवामा हमले में शहीद हुए भारत के वीर जवानों की याद में ग्वालियर के हृदय स्थल महाराज बाड़े पर विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम से पहले तिरंगा यात्रा भी निकाली गई और शहीदों के परिवार को सम्मानित किया गया। इस दौरान शहर के कई जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, पुलिस, एनसीसी और सीआरपीएफ बल के अधिकारियों द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। वहीं कारगिल शहीद सरमन सिंह खेल एवं शिक्षा प्रसाद संस्था के संरक्षक विहिबल सेंकर ने बताया कि देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों की याद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और शहीदों को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। उन्होंने शहरवासियों से भी अपील की है कि कारगिल और पुलवामा के शहीदों को की याद में लोग अपने घर पर भी दीपक जलाएं और देश के लिए मर मिटने वालों को याद करें। देश के लिए बलिदान कर दिया ऐसे अमर सपूतों को आज ग्वालियर याद कर रहा है। तिरंगा यात्रा के माध्यम से, उनको सलाम करने के माध्यम से, साथ ही शाम को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन किया जाएगा। इसमें ख्याति प्राप्त कवि देश के यहाँ महाराज बाड़े पर इकट्ठे होने वाले हैं और साथ ही उन वीर नारियों का भी सम्मान इस मंच से शाम को किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं, काफ़ी समय से यहाँ प्रोग्राम चल रहा है। आज ही के दिन 2019 में हमारे बल के 40 जवान आतंकवादियों के कायराना हमले में पुलवामा में शहीद हुए थे। उनको याद करने के लिए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और उनके परिवार को ये एहसास दिलाने के लिए कि ये बल और ये देश उनको भूला नहीं है, हमेशा उनके सुख दुख में उनके साथ हैं हम लोग।